टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में करेंगे, ठीक है। क्लास इलेवेंथ का, किसका जे इलेवेंथ का, ठीक। अभी इससे पहले मैंने जो लेक्चर में करवाया था वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी कि सेट्स क्या है और फॉर्म्स ऑफ सेट्स क्या है, ठीक है। मैंने करवाया था आपको कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उसके बेसिक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करवाया था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आज टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में करेंगे, ओके। सबसे पहले टाइप्स आप करेंगे, पहले नॉन सेट, जिसको आप बोलते हैं एम्प्टी सेट, जहां आप इसको वॉइड सेट ही बोलते हैं, ठीक है। अभी आप सही बच्चों को पता कि एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी तक खाली, एम्प्टी क्या होता है खाली, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। ये सेट विच कंटेन्स, ठीक है, कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम डिनोट क्या करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, बड़ी सारी बुक्स में ये साइन होगा, ये किसका साइन है, फाई का, किसका, फाई का, क्या बोलते हैं उसको, फाई, ठीक है। फाई का मीनिंग क्या हो गया, एम्प्टी खाली। अभी ये सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये कौन सा सेट है, कौन सा, एम्प्टी सेट है, जहां क्या बोलते हैं उसको, वॉइड सेट बोलते हैं, जहां क्या बोलते हैं उसको, नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी लेना चाहता हूं, देखो मैंने लिया एक्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, जी किसका साइन है, बिलोंग्स टू का, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और जो नेचुरल नंबर है वो टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री, अच्छा टू और थ्री के बीच कोई नेचुरल नंबर है, अगर टू और थ्री के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर होते क्या है, वन टू थ्री फोर, अभी टू और थ्री के बीच कोई नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपसे कौन सा सेट है जे, एम्प्टी, कौन सा जे, एम्प्टी है, ओके। जैसे कोई भी सेट लेता हूं मैं, ठीक है, मैं लेता हूं एक्स सच दैट, एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल, एक्स सच दैट, एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए बॉयज स्कूल, बॉय स्कूल में कोई भी गर्ल्स होगी, नहीं होगी, तो आसो जे भी क्या है, आसो जे भी क्या है, एम्प्टी सेट है, जे भी क्या है, एम्प्टी सेट है, वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट सर नहीं होगा, ओके। अभी हम क्या करेंगे, उसका क्या है, वो सेट है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। अभी सिंगलटन सेट होता क्या है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टू ले लिया मैंने, और क्या जे, सिंगलटन, जैसे थ्री है, जैसे ए है, जैसे एक्स है, ये सारे के सारे क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ए एक्स सच दैट, ओके, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नाइन, ठीक है। आप सभी बच्चों को पता है कि एक्स स्क्वायर अगर नाइन के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस थ्री, एक माइनस थ्री होगा एक थ्री होगा, बट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, अगर एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो जे नेचुरल नंबर होगा, अगर जे नेचुरल नंबर नहीं होगा तो जे क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थ्री आल्सो सिंगलटन सेट, थ्री आल्सो सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे बी सेट है, एक्स सच दैट, एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर्स होते क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या है, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन सो ऑन। अभी ये सारे के सारे क्या है, ऑड है, इसमें इवन क्या है, जे इवन है,
ओके इवन क्या ओनली टू है, अगर ओनली टू है तो आल्सो कौन सा सेट है जे भी सिंगलटन सेट, कौन सा सेट है जे सिंगलटन। अभी आपको मैंने दो करवाया, क्या क्या करवाया, एक एम्प्टी के बारे में, एम्प्टी क्या है खाली जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिंगलटन सेट क्या है जिसके अंदर सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अभी हम उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, ठीक है। एक होता है फाइनाइट, एक क्या होता है इनफाइनाइट सेट, एक होता है फाइनाइट सेट, एक क्या होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स हो, फाइनाइट लिखो चाहे डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो, एक ही चीज है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा वो इनफाइनाइट, अदरवाइज क्या होगा इनफाइनाइट सेट। इट मींस इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अभी फाइनाइट सेट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3, ये कौन सा सेट है फाइनाइट। जैसे मैं लेता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर की क्वांटिटी कहां तक है कोई पता है आपको, अगर नहीं पता है तो ये कौन सा सेट है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट क्या होगा, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अंदर इंडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ओके बिल्कुल सिंपल है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, जिसको क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अभी ऑर्डर बोलो चाहे इसको आप कार्डिनल नंबर बोलो, किसके फाइनाइट सेट के। अभी ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट सेट के, क्या बताना आप रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, किसके बताने हैं फाइनाइट सेट के, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, बड़ी सारी बुक्स में ऑर्डर ऑफ ए ऐसे लिखा होगा और बड़ी बुक्स में एन ऑफ ए लिखा होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए लिखो चाहे आप एन ऑफ ए लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है सेम है, ठीक है। ऑर्डर कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, अगर मैं कहूंगा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री। अगर बी सेट है, अगर बोलता हूं ए बी सी डी ई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके अंदर, फाइव, ठीक है। हमेशा किसकी काउंटिंग होगी, रोस्टर फार्म की, किसकी कोटिंग होगी रोस्टर फार्म की, क्योंकि अगर आपको रोस्टर फार्म के बारे में पता है तभी आप ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बता सकते हैं, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट नहीं करवा सकते आप, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होगा, आप एलिमेंट बताने हैं कि कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट आल्सो जे क्या, ठीक है, कार्डिनल नंबर में ही शो करेंगे जे भी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, क्या इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं करवाने जा रहा हूं इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट का क्या होगा कि वो सेट्स कि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इक्वल सेट कब होंगे, जब दोनों सेट के एलिमेंट, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे तभी दोनों इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज अनइक्वल होंगे, ठीक है। जैसे टू सेट्स
ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ हम वो दोनों को इक्वल कहेंगे, कब इक्वल कहेंगे, इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, इन सेट ए एंड सेट बी दैट इज ए बी के इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल सेट, कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों के अंदर एलिमेंट सेम होंगे तभी इक्वल सेट होगा, अदरवाइज क्या होगा, अनइक्वल सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ए सेट लेता हूं वन टू थ्री, बी सेट ले लिया मैंने टू थ्री वन, अभी जो दोनों इक्वल है, अभी जो दोनों क्या है इक्वल है, कैसे इक्वल है, क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर। देखो ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, देखो आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है। जैसे जे वन है देखो इसके अंदर वन आ रहा है, आगे पीछे एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे जे टू है जे भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है। अगर जे थ्री है तो जे भी क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आल्सो जे क्या है, इक्वल सेट है। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे पास कुछ भी है ए बी सी, ठीक है, बी ए डी, अभी जे दोनों इक्वल होंगे, जे दोनों इक्वल नहीं होंगे। जे दोनों इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर क्या आ रहा है सी, इधर क्या आ रहा है डी, कि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों के अंदर एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं तो दोनों इक्वल सेट भी नहीं होंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और लेते हैं आप, जैसे मान लो आपका ए सेट है, मैं सेम एग्जांपल लेने जा रहा हूं, एक्स सेट दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है, टू लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, लेस देन सिक्स। अभी बी क्या है, कुछ भी ले लो आप, टू थ्री फोर फाइव। अभी मैं कहूंगा जी दोनों इक्वल सेट है, तो आल्सो जी दोनों क्या है, इक्वल सेट है। जी इक्वल सेट क्या हुआ है, क्योंकि देखो टू लेस देन आर इक्वल टू इक्वल भी है एक्स के, ठीक है, और लेस देन क्या है सिक्स, इसके बीच आपने नेचुरल नंबर बताने हैं। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे इसके अंदर, टू होगा, थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ रहा है, सिक्स आ रहा है, क्योंकि सिक्स की इक्वल नहीं है, तो सिक्स जहां पे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आल्सो जे भी दोनों क्या है इक्वल है। अगर जहां पे इक्वल टू का साइन होता तो जे दोनों इक्वल नहीं आने थे, ठीक है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, अभी इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अभी वो क्लियर करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के दोनों के सेम होने चाहिए। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, हम दोनों को क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी जहां पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स लिखो चाहे एलिमेंट्स लिख लो, इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जी है वन टू थ्री, बी है ए बी सी, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के कितने हैं, थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के कितने हैं, जे भी थ्री है, तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एन ऑफ ए एन ऑफ बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी जे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, बट जे दोनों इक्वल है, जे दोनों इक्वल नहीं है, जैसे जे दोनों क्या है अनइक्वल है, जे दोनों क्या है अनइक्वल है, बट ऑर्डर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। जे इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, अभी जे इक्वल भी है और आल्सो क्या है इक्विवेलेंट भी है। आपने एक नोट जहां रखना है कि जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्या कि जितने भी देखो जे अनइक्वल है बट इक्विवेलेंट है, जे आपके पास क्या है अनइक्वल है बट इक्विवेलेंट है। अभी जो एग्जांपल जहां पे लिखी हुई है मैंने, जे दोनों इक्वल भी है और आल्सो इक्विवेलेंट भी है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेम ही आएगा, जितने भी इक्वल सेट होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं ना,
जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मेरे पास ये है 1 2 3, मैंने ये लिखी थी, ठीक है, मैं लिखा 3 2 1। अभी देखो इक्वलिटी है ये, और आसो इक्विवेलेंट भी आया क्योंकि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स है तभी 3 है। अब एलिमेंट तो सेम होंगे होंगे, इक्वल सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आसो जी क्या है, इक्विवेलेंट है। एक आपने इसमें नोट जा रखना है कि ऑल इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। क्या मीनिंग हो गया कि जितने भी इक्वल सेट होंगे वो सारे के सारे इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, बट जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अभी हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे और इक्वल और अनइक्वल के लिए, ठीक है। अभी मैं इसके क्लियर करवाऊंगा कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ओके। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, देखो कुछ भी आपने ले लिया ए सेट, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, पहले लिया 5 10 15 20 100। अब मैं कहूंगा जी इक्वल होंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 के लिए कौन कौन से आएंगे, मल्टीपल ऑफ 10 के लिए क्या क्या आएगा बोलो, 10 20 30 100। अभी जहां पे देखो 10 का टेबल आ रहा है, 10 20 30 आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, 5 का टेबल आ रहा है, 5 10 15 20 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अभी जो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कौन सा सेट है फिर, ठीक है ना, अनइक्वल है, ए बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आप ले लिया 1 2, बी ले लिया आपने 2 3 5, सी ले लिया इसमें कुछ भी ले लो आप 1 2 3 4, ठीक है, डी ले लिया आपने 2 3 1 4, ठीक है, ई ले लिया आपने 5 और 6। आप मुझे बताओ इसमें इक्विवेलेंट कौन कौन से होंगे, इक्विवेलेंट आप इसमें बताना क्या है, इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट के लिए क्या कहा मैंने आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखो ए और डी में सेम आ रहे हैं, जो एन ऑफ ए है वो एन ऑफ डी इक्वल आ रहा है, इट मींस आपके पास क्या होंगे, ए और डी आर इक्विवेलेंट होंगे, ओके। अभी बी देखो, बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, किसी में 3 है नहीं है, सी और डी इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि सी में भी 4 एलिमेंट्स है, देखो सी में भी 4 है, और किसमें, ओहो ई लिखना था जहां, सॉरी सॉरी ई लिखना था जहां पर डी, ठीक है, इसमें सी और डी क्या है, इक्विवेलेंट है, सी और डी क्या है, इक्विवेलेंट है, ओके। अभी कहूंगा इसमें इक्वल कौन से है, इक्वल कौन से, देखो 1 2 3 4, डी में क्या है 1 2 3 4, कौन कौन सा, सी और डी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये था इक्वल और अनइक्वल। आज मैंने क्या क्या एक बार अगेन आप रिपीट कर लो, क्या क्या करवाया, एम्प्टी, एम्प्टी क्या करवाया, जो खाली होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट सब नहीं होगा। उसके बाद मैंने सिंगलटन करवाया, सिंगलटन क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट होगा। उसके बाद मैंने करवाया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में करवाया, फाइनाइट क्या होगा जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा जिसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद मैंने क्या करवाया आपको, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे
और इक्वल सेट्स क्या होगा जिसके अंदर एलिमेंट सेम होंगे। जो एलिमेंट्स ए सेट के अंदर होंगे वही एलिमेंट्स सेट बी में होंगे, तो वो दोनों क्या होंगे इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अभी एक नोट है, इसके बाद आप नोट दार करो एक फाइनाइट के लिए कि जो एम्प्टी सेट होगा वो ऑलवेज फाइनाइट सेट होता है। जो एम्प्टी सेट होता है वो ऑलवेज क्या होगा, एक आपने नोट दार रखना हमेशा। ठीक है, जो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी लिखो, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज टेकन एज फाइनाइट सेट। जो एम्प्टी सेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो फाइनाइट सेट के बारे में और इक्वल सेट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो आपने बीच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में करवाना है। ठीक है, बताना है एक्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, वन लेस देन एक्स लेस देन टू। अब रियल नंबर बताने हैं वन और टू के बीच, वन और टू के बीच रियल नंबर बताने हैं। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ये क्या आपका फाइनाइट या इनफाइनाइट है बताओ आप। ठीक है, रियल नंबर की काउंटिंग आप नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हुआ फिर, इनफाइनाइट सेट्स हुआ। ठीक है, x सच दैट, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, आल्सो ये भी क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, x x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, x लेस देन क्या है, फाइव, x लेस देन क्या है, फाइव। अभी नेचुरल नंबर फाइव से कम कौन कौन से होंगे, फाइव से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, वन होगा, टू होगा, थ्री, फोर। ठीक है, कौन कौन सा होगा, वन टू थ्री फोर, फाइव होगा नहीं होगा, तो कौन कौन से आएंगे, वन टू थ्री फोर ऐसे आएंगे, देखो वन टू थ्री फोर आएंगे, तो आल्सो ये भी क्या है, फाइनाइट। ठीक है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, इज इवन, तो आल्सो ये भी क्या है, फाइनाइट। ठीक है, अभी आपसे कुछ होगा इंटीजर्स क्या होता है, जैसे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, सो ऑन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ये इंटीजर्स है। अभी इसमें इवन, एक्स स्क्वायर इज इवन, आप इवन बता सकते हो। ठीक है, आल्सो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अभी एक्स सच दैट, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर, आप ये बता सकते हो मंथ ऑफ ईयर क्या होगा, जन से लेके दिसंबर तक, तो ये सारे सारे क्या होंगे, फाइनल सेट होंगे, ये भी क्या होगा, फाइनल सेट होगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा x, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, x ग्रेटर देन क्या, 100, 100 से ज्यादा है। ठीक है, 100 से ज्यादा कहां तक है, सो ऑन टू इनफिनिटी तक, कोई पता नहीं है, तो आप सोचिए भी क्या, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो r द फॉलोइंग पेयर इक्वल सेट बताना है, ये टू थ्री है, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स किसके इक्वल है, जीरो। अब जब एक्स को सॉल्व करेंगे माइनस टू और माइनस थ्री आएगा, तो ये सेट क्या बनेगा, माइनस टू और माइनस थ्री, ये क्या है, टू थ्री ए सेट में, बी सेट में क्या आ रहा है, माइनस टू माइनस थ्री आ रहा है, तो ये कौन से सेट होंगे, अनइक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अभी जी क्या है, x इज ए लेटर इन वर्ड लॉयल, अभी अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो लॉयल का क्या होगा, L O by A, और लॉयल का क्या होगा, इसका भी देखो A L O by, देखो A दोनों में आ रहा है, L भी दोनों में आ रहा है, O भी दोनों में आ रहा है, और by भी दोनों में आ रहा है, तो आल्सो जे भी सेट कौन से होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है बेटा, ओके।